त्योहार से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम। आईएसआईएस से जुड़ा खूंखार आतंकी शहनवाज गुर्गो के साथ गिरफ्तार। स्पेशल सेल ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे। दिल्ली पुलिस ने एनआईए के वांछित आतंकियों में से एक मोहम्मद शहनवाज को गिरफ्तार कर त्योहार से पहले दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया है। इसके बाद उसके कुछ और साथियों को भी पकड़कर त्योहार से पहले धमाके करने की साजिश दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दी है। स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर HGS धालीवाल ने बताया कि मोहम्मद शहनवाज को दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बम बनाने का सामान मिला है। दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त धालीवाल ने NIA के मोस्ट वांटेड आतंकवादी और दो अन्य की गिरफ्तारी पर कहा कि मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद रिजवान अशरफ और अरशद वारसी को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी इंजीनियर हैं। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर रेकी भी की है। पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में सामग्री खरीदने से लेकर विस्फोटकों के लिए कंटेनर और पाइप उनके पास थे। उन्हें ISIS तत्वों द्वारा समर्थन और प्रचारित किया गया था और ये लोग पूरे भारत में घूमे भी थे। स्पेशल सेल ने लास्ट मंथ एक NIA ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किए थे तीन लोगों पे, जिन पे अलग अलग ब्लास्ट केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने का आरोप था और उनका एक मेन एक्यूज था मोहम्मद शाहनवाज। उसको आज सुबह उसके दो साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। मोहम्मद शहनवाज आतंकवादी संगठन ISIS से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने शहनवाज के एक साथी को लखनऊ तो दूसरे को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। इस बात का खुलासा खुद स्पेशल सेल के कमिश्नर ने किया है। मोहम्मद शाहनवाज को अरेस्ट किया है मोहम्मद रिजवान अशरफ और अरशद वारसी के साथ, और मोहम्मद शाहनवाज को अरेस्ट किया है जैतपुर से और मोहम्मद रिजवान अशरफ को किया है लखनऊ से और इनके तीसरे साथी को किया है मुरादाबाद से। सर, क्या कुछ इनकी प्लानिंग थी और क्या बड़ी क्या टेरर कोई घटना को अंजाम देने की फिराक में थे? हाँ, काफ़ी अरसे से ये लोग लगे हुए थे और इन्होंने तमाम मटेरियल भी इकट्ठा किया हुआ था और तीनों बीटेक हैं, इंजीनियर हैं। मोहम्मद रिजवान जो है वो भी वेल क्वालिफाइड है और जो मोहम्मद शाहनवाज है तो बीटेक इन माइनिंग है, इसको एक्सप्लोसिव्स वगैरह की अच्छी नॉलेज है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की माने तो ये तीनों आतंकी ISIS मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं और ये ISIS के इशारों पर ही दिल्ली में एक बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे, लेकिन उससे पहले ही हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ISI के एलिमेंट्स हैं, उनके द्वारा प्रमोटेड सपोर्टेड फरहतुल्ला गौरी बेन है, उसका फिर सन इन लॉ है फैसल, तो उन सब से इनके तार जुड़े हुए थे। और इसके अलावा काफ़ी ऐसी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा नेट पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ये अलग अलग उनको तरीके से कांटेक्ट करते थे और उस तरीके से गाइडेंस लेते थे। फिलहाल पुलिस और स्पेशल टीम इन लोगों से पूछताछ कर रही है, बल्कि कई और खुलासे होने का भी दावा किया जा रहा है। खैर, एक बड़ी साजिश आतंकियों की नाकाम दिल्ली पुलिस ने कर दी है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।